स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का खान इलेक्ट्रिकल इंडिया में। फ्रेंड्स आज हम वॉशिंग मशीन के कनेक्शन सीखेंगे डायग्राम की सहायता से। सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये वॉश मोटर है और इसमें जो टाइमर यूज़ होगा वो फोर वायर टाइमर यूज़ हम करेंगे जिसमें फोर वायर निकली होंगी। ये आप देख पा रहे होंगे वॉश मोटर, स्पिन मोटर और ये है हमारा कैपेसिटर और ये आ रहा है हमारा टाइमर जो कि फोर वायर टाइमर है, वॉश टाइमर। उसके बाद फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे स्पिन मोटर का ये टाइमर है। उसके बाद फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे ये अलार्म है वॉशिंग मशीन का। अब हम इसके करेंगे फ्रेंड्स कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसका डोर स्विच है और ये इसका प्लग है जिससे हम सप्लाई फेस और न्यूट्रल देंगे। और अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम अर्थिंग वायर को मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी आप देख पा रहे होंगे ये हमने अर्थिंग कनेक्ट कर दी। उसके बाद फ्रेंड्स हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। किस तरह से कनेक्ट करनी है फ्रेंड्स देख लीजिएगा, वीडियो को नॉन स्किप देखना है। ये न्यूट्रल के कनेक्शन हमारे हो रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हो गए हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन। उसके बाद आती है हमारी फेस के कनेक्शन की, किस प्रकार से करने हैं देख पा रहे होंगे। स्पिन टाइमर में एक वायर गया फेस का, दूसरा वायर जो गया वो हमारा डोर स्विच से होता हुआ स्पिन मोटर में आ गया। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसके कनेक्शन, बहुत ही आसान कनेक्शन रहने वाले हैं। ये देखिए हमारा वॉच टाइमर है, उसमें एक फेस की वायर हमने निकाली स्पिन टाइमर से होते हुए गई है। उसके बाद जो आती है हमारी वॉच मोटर की वायरी, इसके जो कनेक्शन है फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब डायग्राम की सहायता से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसके जो कनेक्शन होंगे। अब हो रहे हैं फ्रेंड्स कैपेसिटर के कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, ये हम कैपेसिटर के कनेक्शन दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये फोर वायर कैपेसिटर है फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो कनेक्शन है लगभग कंप्लीट ही होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो।